हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक छापेमारी की। दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने भावी अनियमितताएं देखी। इस दौरान उन्होंने डायलिसिस सेंटर चलाने वाली आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के CMS को फटकार भी लगाई। साथ ही एक महीने का CCTV फुटेज निकालकर चेक करने के निर्देश दिए कि डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं या नहीं। लिहाजा उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारा जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ उसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट्स का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे, जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने DG को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो DM को बताएंगे, DM नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली, मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले एक महीने का यहाँ पे CCTV का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल यूनिट है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है तो डॉक्टर साहब का होना यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है।